नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं राकेश वानिया शो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से हम लोग धन वाले भाव को, जो कुंडली में धन का भाव होता है, वेल्थ का भाव होता है, सेकंड भाव, उसको कैसे स्टडी करते हैं, और उसके साथ एक कुंडली का एग्जाम्पल भी आपको दिया था ताकि ये मालूम चल सके कि धन इंसान के पास कितना होगा, विपुल धन होगा या ठीक ठाक धन होगा या धन नहीं होगा। वो सब चीजें करने के बाद उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके बाद में चौथा स्थान जो हमारा होता है, मेन स्थान होता है केंद्र का, जिससे कि हम मकान, वाहन और माता का सुख वगैरह ये सब चीजें देखते हैं, तो चौथा स्थान कैसे देखते हैं उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है, वो उसे लगा लेता हूँ। जरा सा आप एक मिनट थोड़ा सा होल्ड कीजिए, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। जी, ये प्रेजेंटेशन है कि फोर्थ भाव का हम कैसे विश्लेषण करें, कैसे फोर्थ भाव की हम लोग स्टडी करें, कि फोर्थ भाव को कैसे कुंडली के अंदर देखना है ताकि मालूम चल सके कि इंसान के ऊपर मकान वाहन इसका होगा या नहीं होगा, माता का सुख इन्हीं कुंडली में रहेगा या नहीं रहेगा। सबसे पहले आप चतुर्थ भाव में स्थित राशि को देखिए और राशि के गुण स्वरूप को देखिए। चतुर्थ भाव में स्थित राशि कोई भी हो सकती है, मेष हो सकती है, वृष हो सकती है, मिथुन हो सकती है, और उसे गुण स्वरूप तो आपको मालूम है ही राशि के, कि मेष राशि अग्नि राशि है, क्षत्रिय राशि है, और किस तरह की राशि होती है, मेष राशि वाले इंसान कैसे होते हैं, तो वो गुण स्वरूप आपको इसमें ध्यान रखने हैं। फिर दूसरी बात आपको ये देखनी है कि चतुर्थ भाव में, चौथे भाव में कौन से ग्रह स्थित है। वो ग्रह शुभ है, वो ग्रह अशुभ है, या किस भाव के स्वामी है, वो चीज आपको ध्यान देनी है। शुभ या अशुभ मतलब नैसर्गिक शुभ या अशुभ, और किस भाव के स्वामी है का मतलब ये हुआ, केंद्र के स्वामी है, त्रिकोण के स्वामी है, धन के स्वामी है, लाभ के स्वामी है, या किस भाव के स्वामी है, या 6-8-12 भाव के स्वामी है। फिर हम देखेंगे चतुर्थ भाव का जो स्वामी है, चौथे भाव का जो स्वामी है, जिसको हम भावेश बोलेंगे, चतुर्थेश बोलेंगे, वो कहाँ गया है कुंडली में, उसकी स्थिति क्या है, क्या वो लग्न में बैठा है, क्या वो केंद्र में बैठा है, क्या वो त्रिकोण में बैठा है, क्या वो 6-8-12 भावों में बैठा है, क्योंकि 6-8-12 भावों में बैठा होगा तो जाहिर है उसकी पोजीशन खराब होगी, वो निर्बल हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा। केंद्र में बैठा होगा तो पोजीशन अच्छी होगी, त्रिकोण में बैठा होगा तो पोजीशन और अच्छी होगी। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि चतुर्थ भाव का स्वामी कहाँ बैठा है। फिर दूसरी चीज ये, किसके साथ युद्ध है, वहां देखने वाली बात है कि ऐसा तो नहीं कहीं अष्टमेश के साथ युक्त हो, द्वादशेश के साथ युक्त हो, षष्ठेश के साथ युक्त हो, तो वो देखना जरूरी है कि पंचमेश के साथ युक्त है या भाग्येश के साथ युक्त है या किसी केंद्रेश के साथ युक्त है तो अच्छा है। अगर सिक्स लॉर्ड, एट्थ लॉर्ड और ट्वेल्थ लॉर्ड के साथ युक्त हो रहा है तो उतना अच्छा नहीं होता। फिर देखेंगे कि उस भावेश पर, यानी वही जो चतुर्थ भाव का स्वामी है, उस पर किन ग्रहों की दृष्टि है, यानी वो दृष्टि जो है वो आपकी शुभ ग्रहों की है या अशुभ ग्रहों की है। शुभ अशुभ मतलब नैसर्गिक शुभ और नैसर्गिक अशुभ ग्रह, उनकी दृष्टि है। फिर हम देखेंगे कि चतुर्थ भाव कहीं भाव कतरी में तो नहीं, भाव कतरी का मैंने आपको कल भी बताया था कि किसी ग्रह के या किसी भाव के दोनों ओर अगर पाप ग्रह बैठे हों तो वो भाव अथवा वो ग्रह पाप कतरी योग में कहलाता है, उससे उसको भाव और वो ग्रह पीड़ित हो जाता है बहुत ज्यादा, उसके रिजल्ट बहुत विपरीत हो जाते हैं। तो ये भी देखना जरूरी है कि चौथा भाव के जो स्वामी है उसके दोनों ओर कहीं पाप ग्रह तो नहीं बैठे। फिर हमको एक चीज और भी देखनी जरूरी है कि लग्नेश और चतुर्थेश, लग्नेश मतलब कि जो हमारा लग्नेश होता है और चतुर्थेश चौथे भाव स्थान का स्वामी, उनका एक्सिस क्या है। ये देखिए, मैं एक्सिस के ऊपर आपको बहुत ज्यादा बताता हूं कि एक्सिस हमेशा देखिए, अगर लग्नेश का और चतुर्थेश का एक्सिस जन्म कुंडली में ही अच्छा नहीं है तो जीवन भर परेशानी तो पक्की है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो उनका एक्सिस देखना बहुत जरूरी है। एक्सिस देखने का मतलब यह हुआ
कि लग्नेश से चतुर्थेश कितनी दूरी पर है, कौन कौन से भाव में है, चतुर्थेश से लग्नेश कौन सी दूरी कितनी दूरी पर है, तो वो एक्सिस देखना जरूरी है। क्या वो एक्सिस 1-7 का है, क्या वो एक्सिस 2-12 का है, क्या 3-11 का है, 4-10 का है, 5-9 का है, 6-8 का है। तो 6-8 का हो या 2-12 का हो तो वो अच्छा एक्सिस नहीं होता, क्योंकि 6 और 8 दोनों अशुभ स्थान होते हैं और 2 और 12 भी अशुभ स्थान हो जाते हैं, तो वो एक्सिस अच्छा नहीं होता। तो इसलिए उनका एक्सिस देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, नवांश पत्रिका में हम लोग आएंगे। नवांश पत्रिका में भी हम देखेंगे कि जो हमारा लग्नेश था वहां पे नवांश पत्रिका में, उसकी स्थिति क्या है D9 चार्ट के अंदर, चंद्रमा की स्थिति क्या है, और जो चतुर्थ भाव का स्वामी था चतुर्थेश, D1 का जो चौथे भाव का लॉर्ड था, उसकी स्थिति नवांश पत्रिका में क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां तो वो केंद्र में बैठा है या त्रिकोण में बैठा है, पर नवांश कुंडली में आके वो 8वें भाव में आ गया या 6ठे में आ गया या 12वें में आ गया, तो उसकी स्ट्रेंथ उसी हिसाब से कम हो जाएगी। या ऐसा हो सकता है कि वो उस D1 चार्ट के अंदर वो 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, किसी में बैठा हो, और नवांश के अंदर वो आके केंद्र या त्रिकोण के भाव में आ जाए, तो उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। फिर आपको देखना है कि नवांश पत्रिका में जन्म का लग्नेश और जन्म का चतुर्थेश जो है जन्म कुंडली का, उनकी स्थिति का, उनका एक्सिस क्या है। जैसे एक्सिस हम लोगों ने वहां चेक किया था लग्नेश का और चतुर्थेश का, इसी प्रकार वही लग्नेश वही चतुर्थेश जो D1 कुंडली के हैं, उनका एक्सिस हम नवांश कुंडली में भी चेक करेंगे कि कहीं 1-7 का तो नहीं, 2-12 का तो नहीं, 3-11 का तो नहीं। फिर हमें देखना है कि नवांश पत्रिका में कारक ग्रह की स्थिति क्या है। कारक ग्रह कौन होता है चौथे भाव का? कारक ग्रह होता है चंद्रमा, चौथा भाव आप जानते ही हैं, स्थिर कारक चंद्रमा होता है। पहले का सूर्य, दूसरे का गुरु, तीसरे का मंगल, चौथे का चंद्रमा, पांचवे का गुरु, ये सब आप जानते ही हैं। तो फिर हमें देखना है कि जो चौथा भाव का कारक है वो कारक किस स्थिति में है। नवांश कुंडली में भी देखना है कि कारक किस स्थिति में है, केंद्र में गया है, त्रिकोण में गया है, कहाँ गया है, और D1 चार्ट के अंदर भी देखना है वो किस स्थिति में है। तो उससे लेके हम लोगों को बैलेंस निकालना है कि वो ठीक ठाक है या नहीं है। और इसी प्रकार बहुत से विद्वान लोग, बल्कि ये अच्छा है थोड़ा और स्टडी करने के लिए, कि कारक का भी एक दूसरे से, लग्नेश और कारक की भी एक दूसरे से स्थिति देख लेते हैं नवांश पत्रिका में। कारक मान लिया चंद्रमा है, तो लग्नेश और चंद्रमा की एक दूसरे से स्थिति क्या है, एक्सिस क्या है, वो भी चेक कर लेते हैं। 1-7 है, 2-12 है, 3-11 है, ये एक और एडवांस वो हो जाता है, तो उससे और कन्फर्मेशन आपके पास आ जाती है। तो ये सब चीजें देखने वाली बात होती है। ये तो नवांश चार्ट हो गया। अब अगर आप माता के बारे में आप स्टडी करना चाहते हैं तो द्वादशांश चार्ट होता है, D12 जिसे कहते हैं। उसमें वही चीज देखनी है कि लग्न स्थित राशि कौन सी है, लग्नेश क्या है, जन्म पत्रिका का लग्नेश क्या है, चतुर्थेश कौन है, चंद्रमा चंद्रमा से चतुर्थ भाव में कौन है, वो आपको देखना है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जितने भी ये डिविजनल चार्ट होते हैं, चाहे वो D9 हो, चाहे वो D3 हो, तो उसमें क्या देखते हैं, उसमें देखते हैं कि लग्न, लग्नेश, लग्न में स्थित राशि कौन सी है, लग्नेश कौन है उसका। फिर अगर D9 है तो सप्तम भाव में स्थित राशि कौन सी है, सप्तमेश कौन है उसका। D12 है तो चौथे भाव में कौन सी राशि है, चौथे भाव में कौन सा उसका वो है, चतुर्थेश कहाँ पर है। फिर साथ में देखते हैं कारक की स्थिति कि कारक कैसा है, तो चंद्रमा की स्थिति देखेंगे। फिर कारक से सप्तम देखेंगे, तो चंद्रमा से नवम के अंदर, तो D12 में देखना है तो चंद्रमा से चतुर्थ देखेंगे, तो चंद्रमा से 4 भाव गिनेंगे वहां पे कौन सी राशि है। अगर वहां पे राशि अच्छी राशि है, D1 के किसी अच्छे भाव की राशि है, तो बहुत अच्छी बात होती है। तो आपको डिविजनल चार्ट का थोड़ा समझ में आया होगा, यही एक तरीका है डिविजनल चार्ट का। क्योंकि नवांश होता है सप्तम भाव का डिविजन, द्वादशांश होता है चतुर्थ भाव का डिविजन। तो नवांश देखना हो तो D1 का लग्न, D9 का लग्न देखिए, उसका लग्नेश देखिए, उसका सप्तम देखिए, उसका सप्तमेश देखिए, कारक देखिए, और कारक से सप्तम देखिए। इसी प्रकार से माता के लिए या पिता के लिए D12 देखना हो, द्वादशांश देखना हो, तो लग्न देखिए, लग्न में लग्नेश देखिए, चौथा भाव देखिए, चौथे भाव का स्वामी देखिए, कारक देखिए, और कारक से चतुर्थ देखिए। तो उससे आपको मालूम चलेगा कि द्वादशांश चार्ट कैसा है। और अगर वाहन आदि के लिए आपको स्पेसिफिक स्टडी करना है कि कैसी वाहन रहेगा, लग्जरी वाहन रहेगा, नॉर्मली तो वैसे ही मालूम चल जाता है, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक स्टडी करनी है वाहन के बारे में कि 2 रहेंगे 3 रहेंगे 4 रहेंगे, तो उसके लिए षोडशांश चार्ट जो D16 चार्ट है वो चार्ट देखा जाता है। तो उसका तरीका भी वही है कि लग्नेश चतुर्थेश, लग्नेश चतुर्थेश की स्थिति, कारक की स्थिति, कारक से चतुर्थेश। तो
ये आपको देखना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि चौथे भाव का हम विश्लेषण कैसे करते हैं। इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको उस एग्जाम्पल कुंडली से मालूम चले, जो कि कुंडली मेरे पास आई थी, उसी कुंडली का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ये कुंडली एक राजस्थान से किसी की है। मैं आपके लिए कुंडली ये बना देता हूँ। यहाँ पे मैं प्रश्न डाल देता हूँ, ऐसे ही प्रश्न, मेल कुंडली है। जन्म दिवस इनका है 16/1/1966, 16 जनवरी 1966। टाइम ऑफ बर्थ इनका है रात के 12:56, यानी 00:56 ये रात का टाइम पे इनका है। राजस्थान की पैदाइश है, प्लेस इनका है रतनगढ़। प्लेस इनका है रतनगढ़। तो ये जो कुंडली इनकी आती है, ये कुंडली इनकी बन जाती है। तो आप वो इस कुंडली में सबसे पहले क्या देखेंगे? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भाव देखते हैं, भावेश देखते हैं, कारक देखते हैं। ये लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, यहाँ भी मैंने आपको यही बताया। तो सबसे पहले भाव देखिए, भाव में देखिए, भाव में सूर्य बैठा है, वीनस बैठा है, मंगल बैठा है। यानी भाव के अंदर कौन कौन बैठे हैं? सूर्य कौन है? लाभेश है। लाभ का भाव का स्वामी यहाँ इस वाले भाव में आ गया है, तो इस भाव की वृद्धि कर रहा है। ये आप जानते हैं कि लग्नेश, लाभेश और भाग्येश जिस भाव में जाएंगे उस भाव की वृद्धि करेंगे। ये आप ध्यान रखिए, लग्नेश, लाभेश और भाग्येश जिस भी भाव में जाएंगे उस भाव की वृद्धि करेंगे। तो यहाँ लाभेश बैठा हुआ है, सूर्य 11वें भाव का स्वामी है, तो इसलिए ये एक इस भाव की वृद्धि कर रहा है। यहाँ वीनस लग्नेश बैठा हुआ है, लग्नेश भी इस भाव की वृद्धि कर रहा है। मंगल यहाँ पर केवल एक ऐसा है जो ऑड मैन आउट है। मंगल यहाँ पे जरूर आपका केंद्र का स्वामी है और धन भाव का स्वामी है, लेकिन फिर भी इतना बुरा मंगल यहाँ पे नहीं है। तो ये मंगल केंद्र भाव का स्वामी है और धन भाव का स्वामी इसके अंदर बन रहा है, लेकिन फिर भी आप देखें तो उसका मतलब भाव ये काफी मजबूत है, क्योंकि उस भाव के अंदर इस तरीके से ग्रह बैठे हुए हैं। अब भाव पे दृष्टि देखिए, किसी की दृष्टि है क्या? किसी की दृष्टि नहीं है। जुपिटर की है, 7, 8 और 9, यानी जुपिटर की दृष्टि है तो ये और भी अच्छा हो गया। जुपिटर की दृष्टि होना तो बहुत अच्छा हो गया, यानी कि लाभेश बैठा, लग्नेश बैठा, ऊपर से जुपिटर की दृष्टि हो गई, तो इस भाव की तो बहुत वृद्धि हो गई है, तो ये भाव तो बहुत मजबूत हो गया है। अब इस भाव का स्वामी देखिए, भाव का स्वामी बनता है शनि, 10 नंबर राशि यहां पर है। भाव का स्वामी बनता है शनि। शनि कहाँ गया? शनि गया त्रिकोण में, अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, तो शनि भी बहुत बली है, यानी भाव का स्वामी भी बहुत बली है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसका कारक देखिए, कारक कहाँ है? कारक लग्न में है, चंद्रमा। कारक भी लग्न में बैठा हुआ है, तो कारक भी बहुत स्ट्रांग हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि ये भाव इसका बहुत स्ट्रांग हो गया, और इससे तो ये मालूम चलता ही चलता है कि इस आदमी के पास बहु मकान, मतलब बढ़िया मकान, लग्जरी गाड़ियां, इस तरह की सारी चीजें होंगी, क्योंकि भाव भी कब मजबूत है, भावेश भी मजबूत है और कारक भी मजबूत है। अब भावेश की स्थिति हम D9 चार्ट के अंदर भी देख लेते हैं। भावेश कौन बनता है? शनि। शनि यहाँ पर 6वें भाव में आया है राहु के साथ, ये थोड़ा कमजोर कुछ हुआ है। कारक की स्थिति देखते हैं, चंद्रमा। चंद्रमा यहाँ केंद्र भाव में बैठा है D9 में, ये ठीक है। केंद्र भाव में त्रिकोण में जाना, केंद्र में जाना, लाभेश में जाना, ये स्थिति अच्छी स्थिति होती है, तो यहाँ पर ये ठीक है। मतलब कुल मिला के D9 चार्ट और ये सब चार्ट देखने के बावजूद भी ये लगता है कि ये चार्ट बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लग्नेश और चतुर्थेश का, जैसे कि हमने बताया था कि एक्सिस भी देख लेना चाहिए। तो लग्नेश कौन है? शुक्र। चतुर्थेश कौन है? शनि। तो शुक्र शनि का एक्सिस यहाँ पर 2 बार का एक्सिस है, तो इसलिए, क्योंकि ये शुक्र से, ये लगन से शनि है वो दूसरे भाव में है, यानी लगन से शनि धन भाव में है। अगर 12वें भाव में होता तो प्रॉब्लम होती, दूसरे भाव में है, धन भाव में है, इसलिए ये एक्सिस भी यहाँ पर ठीक है। यही लग्नेश का यानी शुक्र का,
और यही शनि का जो चतुर्देश है इसका एक्सिस D9 में चेक करते हैं। तो लग्नेश देखिए, शुक्र देखिए, शुक्र कहाँ बैठा है, शुक्र 8वें भाव में बैठा है लग्नेश, और चतुर्देश शनि, शनि बैठा है इस वाले भाव में। तो ये 1 2 3 यानी 3 11 का एक्सिस है जो कि बहुत अच्छा एक्सिस होता है। 3 11 का मतलब हुआ कि एफर्ट्स के थ्रू लाभ कमाना, 3 नंबर एफर्ट्स, 11 नंबर लाभ, एफर्ट्स के थ्रू लाभ कमाने वाला। तो ये आदमी एफर्ट्स के थ्रू लाभ कमाने वाला है, ये एक्सिस बहुत अच्छा है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस आदमी के पास किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। अब प्रॉब्लम क्या हो सकती है ये देखिए। देखिए जब भी किसी सजीव चीज की बात करते हैं तो वहां पे किसी भी अशुभ ग्रह का बैठना उसके लिए हानिकारक होता है, ये आप ध्यान रखिए। किसी भाव में कोई अशुभ ग्रह गया, शनि, मंगल, सूर्य, तो पहले तो आपको ये देखना है कि वो भाव में सीधा अशुभ ग्रह गया, तो आपने ये नहीं बोलना है कि भाव में अशुभ ग्रह गया तो भाव कमजोर हो गया। पहले आपको ये देखना है कि भाव में जो ग्रह गया है वो किस भाव का स्वामी है। अगर वो केंद्र का स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी है, तो वो अशुभ नहीं है, अच्छा है। लेकिन सजीव के लिए यानी उस भाव से अगर हम किसी सजीव चीज का, माता का, पुत्र का, पिता का, बेटे का, संतान का, किन्हीं के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसके लिए चाहे वो ग्रह बुरा वाला जो ग्रह है, अशुभ ग्रह जो है, चाहे वो कितने अच्छे भाव का स्वामी भी हो, वो अशुभ ही कहलाता है। तो अगर हम माता का विचार यहां से करें तो आप देख सकते हैं कि इस घर में सूर्य और मंगल दो ग्रह इसके घर में बैठे हुए हैं जो कि पाप ग्रह हैं, और किसी भी घर में पाप ग्रह का दो या दो से अधिक पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो उस घर में सजीव की हानि होती है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी माता को हेल्थ की कंसर्न है, हेल्थ परेशानी है। तो ये इनका है, इनकी माता को हेल्थ परेशानी है। नंबर टू, अब हमने देखा कि यहां मंगल, मंगल कौन होता है, मंगल कारक होता है चोट चपेट का, मंगल से चोट चपेट भी देखी जाती है, शत्रुता भी देखी जाती है, और यहां बैठा है लगन के साथ। तो मंगल और लगन जब साथ बैठ जाते हैं, यानी स्वयं बैठ गए या और चोट चपेट बैठ गए, तो इसमें ये दिखाता है कि आपको भी चोट लग सकती है, मंगल या वीनस की दशा में आपको भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी भी कोई सर्जरी हो सकती है, जो कि इसके केस में हुई भी है। अब इसमें अगर आप एक चीज देखें तो आप यहां पाएंगे कि चौथे भाव में सूर्य बैठा हुआ है। अब हम ग्रहों के कारकत्व पे आ रहे हैं सीधा, अभी तक तो हम भावेश वगैरह देख रहे थे, ग्रह किस भाव के स्वामी है उनके हिसाब से स्टडी कर रहे थे, अब हम ग्रहों पे आ रहे हैं। जैसे हम मंगल ग्रह पे आए कि मंगल चोट चपेट का कारक है, और वीनस जो है लग्न का, लग्नेश है, वो स्वयं का कारक है, तो चोट चपेट लग सकती है, सर्जरी हो सकती है। इसी प्रकार सूर्य देखिए, सूर्य क्या है, सूर्य सेपरेटिव टेंडेंसी पैदा करता है इंसान के अंदर। सूर्य हमेशा सेपरेटिव टेंडेंसी पैदा करता है, जिस भाव में सूर्य हो या जिस भाव पे सूर्य की दृष्टि हो तो आदमी उस भाव से सेपरेट होने की कोशिश करता है। अब यहां ये देखिए, इस पर राहु की दृष्टि भी है, 7 8 और 9, यानी राहु भी सेपरेटिव टेंडेंसी वाला ग्रह होता है। मैंने आपको बताया सूर्य शनि राहु ये सब सेपरेटिव टेंडेंसी वाले ग्रह होते हैं। तो सूर्य की और राहु का प्रभाव इस चौथे भाव पे होने से ये तो मालूम होगा कि इसके पास मकान तो बहुत है, मतलब ये आदमी मकान बनाता बहुत है, बहुत लग्जरी मकान बनाता है, लेकिन फिर उसको सेल कर देता है और फिर किराए के मकान में रहता है, उस मकान का सुख नहीं ले पाता क्योंकि सूर्य इस वाले भाव में आ गया और राहु की दृष्टि हो गई इस भाव के ऊपर। ये एक रीजन हुआ कि इसके अंदर सेपरेटिव टेंडेंसी है कि मकान तो ये बहुत अच्छा बनाएगा, वाहन भी इसके पास बहुत अच्छे हैं, मकान बहुत अच्छा बनाता है क्योंकि भाव मजबूत है, भावेश मजबूत है, कारक मजबूत है, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन चूंकि सूर्य इसके अंदर बैठा हुआ है, सेपरेटिव टेंडेंसी पैदा करता है, और राहु की दृष्टि है ये भी सेपरेटिव टेंडेंसी पैदा करती है, तो ये इंसान मकान बहुत बनाता है। और इनके यहाँ यही एक प्रॉब्लम रहती है घर में कि सब लोग यही कंप्लेन करते हैं कि साहब ये मकान बनाते हैं और हम उस मकान का सुख नहीं ले पाते, इतने अच्छे मकान का 2-3 महीने रहते हैं और उसके बाद मकान को सेल कर देते हैं, फिर दोबारा से मकान बनाते हैं। तो ये एक तरीका था स्टडी करने का। तो सबसे पहले आप भाव, भावेश इनको भी देखिए, कारक को देखिए, फिर ग्रह पे भी नजर डालिए, ग्रह किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ग्रह ने अपने कारकत्वों के भी फल देने हैं, ग्रह ने अपने भावों के हिसाब से फल देने हैं, अपने कारकत्वों के हिसाब से फल भी देने हैं। तो वो सब चीज चेक करने के बाद आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आई होगी कुंडली, समझ में आई हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मोटिवेशन उससे बढ़ता है। धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।